हेलो व्यूवर्स, अगर आपके दो तीन व्यूज़ आते हैं तो आप अपने वीडियो को इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं आप अपलोड कीजिए, तो हो सकता है कि आपका व्यूज़ बढ़ जाए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो आप अपने चैनल की सेटिंग सही कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यूट्यूब ऐप पे चलते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे सही ढंग से वीडियो अपलोड किया जाता है। यूट्यूब ऐप पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन दबाइएगा जब, तो आपको पास अपलोड अ वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। अब जिस वीडियो को आपको अपलोड करना है उसको आप प्रेस करिएगा। आपने अगर पहले से टाइटल डिसाइड कर ले रखी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वापस जाना है और अपनी टाइटल को फाइंड आउट करना है, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब आप वापस जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको YouTube पर आपका लोगो मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा, टर्न ऑन इनकॉग्नाइट मोड करिएगा। तो आप सर्च करिएगा हाउ टू कंप्लीट 4000 आवर वॉच टाइम, तो आपके पास देखिए जो वीडियो रैंक कर रहे हैं वो आ जाएंगे, इसमें देखिए वीडियोस आ रहेंगे, तो आप उसमें से उनकी टाइटल लेकर के अपने पास सेव कर लीजिएगा नोटपैड में, और फिर उसको आप अपने वीडियो की टाइटल बना लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए जब आप सर्च करिएगा हाउ टू इंक्रीज वॉच टाइम, तो ये देखिए आपकी ढेर सारी लिस्ट आ गई। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने ले लिया है और आप भी उसको ले सकते हैं। अब आप हिंदी में भी इसको ढूंढ सकते हैं, वॉच वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं। तो इस पे भी देखिए जो रैंक कर रही हैं वीडियो वो सारी आ गई। अब वहाँ पर आपने जब लिखा था वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, तो ढेर सारा देखिए आपके पास लिस्ट आ गई, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सबको हम लोग अपना टैग और टाइटल बना लेंगे। तो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में आपकी टाइटल बन गई। अब हम लोग यहाँ पर वापस चलेंगे और यहाँ इनकॉग्निटो मोड को ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। अब वापस आएंगे, वापस आकर यहाँ पर लोग अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड वीडियो किया, तो जो वीडियो हमको अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो सेलेक्ट करके अब हम लोग टाइटल वहाँ से ले आएंगे। स्क्रीनशॉट से अगर आपको लेना नहीं आता है तो आप यहाँ से क्रोम में जा कर के आप न्यू टैब करते हैं, तो ये देखिए कैमरा आ जाएगा, इसको लीजिएगा और फिर इसके बाद इस पे जाइएगा। इसमें देखिए ये कहेगा कि टेक्स को ले लीजिए, तो यहाँ से टेक्स करेंगे हम लोग और सारे टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तब इन टेक्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो हम लोगों को पूरा नहीं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर केवल वही सेलेक्ट करिए जो आपको चाहिए। तो यहाँ से ये वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, पहली वाली हम लोग ने ये ले ली और इसको कॉपी किया और यहाँ से जा कर के आप अपने वीडियो में इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका देखिए जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें से आप अपनी टाइटल को ला सकते हैं। हमने क्योंकि अब डाउनलोड करके बना रखा है, तो हम वहाँ से जा कर के अपनी डाउनलोड फाइल से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, पूरा हमने डिस्क्रिप्शन बना रखा है, आप भी इसी तरह से कॉपी करके पहले से तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अपलोड करते समय बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या इसमें डालते जाना है, पहले आपको टाइटल डालना है, फिर उसके बाद आपको अपने चैनल का नाम और सोशल मीडिया लिंक डालना है,
और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वॉच करानी है आपको, आई कार्ड में देनी है, उसका लिंक डाल देना है, सोशल मीडिया के सारे लिंक डाल देने हैं। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट अपनी डाल देनी है जो उस वीडियो से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद आपको क्यूरीज डालनी है जिसमें आप वो सारे टैग जो स्क्रीनशॉट से बना रखे हैं वो सारे डाल दीजिएगा। यहाँ पर बहुत अधिक स्टफिंग नहीं करनी है, उतने ही टैग्स डालिए जो कि मेटा डेटा की प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। और उसके बाद आप अपने हैशटैग डाल सकते हैं, तो हैशटैग डालने के लिए अपने चैनल का हैशटैग डालिए, फिर अपने वीडियो से रिलेटेड हैशटैग डालिए, और फालतू के हैशटैग मत डालिए। और यूट्यूब डाल दिया क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग काम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, इसलिए लाइव स्ट्रीम डाल दिया। फिर इसके बाद ऑफिशियल आप अपनी ईमेल दे दीजिए और रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल दबा दीजिए जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं क्योंकि हमने बना रखा है, तो इसको कॉपी करके हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह आप अपने से पहले से फाइल बना लीजिएगा जिससे कि आपको अपलोड करते समय बहुत अधिक टाइम ना लगे। देखिए सारा हो गया, इसको कॉपी कर लिया। अब इसको वापस गए हम यूट्यूब में गए, यहाँ पर अपने ऐड डिस्क्रिप्शन में गए, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। जब सारा पेस्ट हो गया तब इसको डिस्क्रिप्शन आपका तैयार हो गया। अब डिस्क्रिप्शन जब तैयार हो गया आपका, तो यहाँ से जो टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन में डाली है वही टाइटल आप अपने वीडियो के टाइटल में डाल दीजिए। तो इसके लिए यहाँ से इसको क्लिक किया और पूरी टाइटल को सेलेक्ट किया, गए यहाँ पर टाइटल में, गए टाइटल में सेलेक्ट ऑल किया, फिर इसके बाद पेस्ट कर दिया। तो जो टाइटल हम लोग ने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली है वो टाइटल में भी आ जाएगी। अब इसी टाइटल को हम लोग टैग में भी डालेंगे। यहाँ पर देखिए अनलिस्टेड रहेगा और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड करिएगा। लोकेशन में आप इंडिया दे सकते हैं या आप जिस जगह पर रहते हैं उसका सिटी का नाम दे सकते हैं। और प्लेलिस्ट आप ऐड ही कर चुके हैं, अभी इस वीडियो की प्लेलिस्ट आप सेट कर सकते हैं, यूट्यूब टिप्स में हमने डाल दिया इसको। अब आप इसको अपलोड करिए, हमेशा वीडियो अनलिस्टेड ही अपलोड करिए, कभी भी पब्लिक करके मत करिए क्योंकि अभी आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और अभी आपको टैग्स भी लगाने। तो अपलोड कर दीजिएगा इसको, जब आप अपलोड कर दीजिएगा तो वो आपसे थंबनेल मांगेगा, तो आप अपना थंबनेल पहले से प्रिपेयर करे रहिएगा। जब वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा तो आप थंबनेल देखिए, यहाँ पर ये अपलोड कर रहा है तो ये दिखा रहेगा कि आपका वीडियो प्रोसेस हो रहा है, अपलोड हो रहा है। ये देखिए योर वीडियो इज़ अपलोडिंग। थंबनेल लगाने के लिए आपको YT स्टूडियो में जाना पड़ेगा, YT स्टूडियो में आपको दिखेगा कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। ये देखिए कंप्लीट 4000 वॉच आर। यहाँ से आप क्लिक करके एडिट करके आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं। यहाँ से कस्टम थंबनेल पे जाइएगा, आपने जो थंबनेल तैयार किया उसको उठा करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं। थंबनेल पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से डन करके यहाँ पर विजिबिलिटी अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी वो प्रोसेस हो रहा है। तो हमेशा अनलिस्टेड ही करिएगा क्योंकि उसी समय वो टाइटल पढ़ता हैगा यूट्यूब का एल्गोरिदम, और आपके टैग्स को समझता है, आपके टाइटल को समझता है, आपके डिस्क्रिप्शन को समझता है, और जो कीवर्ड आप यूज़ करे रहते हैं उसी के हिसाब से वो आपको भेजता है। अब यहाँ पे देखिए टैग और कैटेगरी पूछा है, तो मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो हमने इसमें ये डाल दिया। और यहाँ पे कमेंट में अलाउ ऑल कमेंट्स बोलेगा, तो हमने होल्ड पोटेंशियली कर लिया है क्योंकि कभी कभी
अनवांटेड लोग आपके वीडियो पे आ जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये चुनना चाहिए, शो हाउ मैनी व्यूज़ लाइक्स द वीडियो। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा और कैटेगरी सेलेक्ट ही हो गई है, अलाउ एम्बेडिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर आप टैग अपने लगा सकते हैं, तो टैग लगाने के लिए आपको सबसे पहले टाइटल को सेलेक्ट करिए, पूरा सेलेक्ट ऑल करा, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से टैग में गए, टैग में जा कर के यहाँ पर अपनी टाइटल को पेस्ट करने से पहले अपने चैनल का MS रतन अग्रवाल दिया, इसको कॉमा लगाते जाइएगा तो आपका ये आता जाएगा। दूसरा भी हम अपना दे देते हैं, रतन अग्रवाल। इसके बाद अब अपने हमने टाइटल को पेस्ट कर दिया। अब टाइटल जब पेस्ट हो गई तो इसमें कॉमा लगा दिया। अब आप अपनी जो टैग्स आपने प्रिपेयर किए हैं उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले छोटे टैग्स लगाइएगा कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं। इसी तरह से जितने भी तरह से आप सोच सकते हैं वो टैग्स यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो टैग्स आपके वीडियो से रिलेटेड होंगे वही डालिएगा, वॉच टाइम फास्ट। इस तरह से कर करके आप अपने टैग्स को यहाँ पर लगा दीजिएगा। जब आपके टैग्स लग जाएंगे तब यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी जो है आपको पेंडिंग है अभी, क्योंकि वीडियो अभी अपलोड हो रहा है। तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब यहाँ पर इसको पब्लिक कर दीजिएगा। पब्लिक करने के बाद, ये पब्लिक नहीं हुआ है अभी, पब्लिक तब होगा जब आप इसको सेव करिएगा। टैग्स आप vidIQ से भी डाल सकते हैं, अगर आप कहिएगा कैसे उससे डालते हैं तो हम उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। अब आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करिएगा तो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा और आप अपने वीडियो को रन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर ढंग से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।